Assalamualaikum, welcome back to CyberMax Academy. जैसे कि CyberMax आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें बैक टू बैक लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ फॉलो नहीं कर रहे तो सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट को फॉलो करें, ताकि आप बेसिक से एडवांस तक सारे लेक्चर समझ सकें। तो तकरीबन अब तक 12 से 13 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, ओके। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर जो मैप होता है गूगल मैप, उसको किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, ओके। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस तरह वेबसाइट है किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लोकेशन के लिए उन्होंने डायरेक्ट मैप ही इंसर्ट किया होता है। तो वो मैप किस तरह से इंसर्ट किया होता है वो देखते हैं अब। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं। ये देखिए डे 14 के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट कर रखा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन विद कोड करता हूँ और ये ओपन हो जाएगा। और जल्द से जल्द इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम आज मैं चले मैप रख देता हूँ, map.html, ओके। फाइल क्रिएट, उसका बेसिक स्ट्रक्चर और इसके टाइटल में क्या लिख देते हैं, आज हम मैप इंसर्ट लिख देते हैं, मैप इंसर्ट। और इसकी बॉडी के अंदर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, सबसे पहले टूडे वी विल लर्न अबाउट मैप इन HTML, ओके। तो इसकी हम आउटपुट भी देख लेते हैं कि किस तरह से शो हो रहा है। तो ये देखिए मैप नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है, इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये क्रोम में ओपन हो जाएगा। मैप इंसर्ट टाइटल भी लग चुका है और हेडिंग भी लग चुकी है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ही गूगल मैप ओपन कर लेते हैं। तो गूगल मैप ओपन कर लिया हमने और इसकी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हम कोई लोकेशन सर्च करते हैं। मैं मिसाल के तौर पर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ, ओके। तो इसको मैं चले ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि इसकी उसने लोकेशन दिखा दी। अब मैं मिसाल के तौर पर एक नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर ये मैप लगाना चाह रहा हूँ, ये जो लोकेशन लगी हुई ना एग्जैक्ट, ये वहाँ पर शो हो। तो किस तरह से इस मैप को कॉपी किया जा सकता है, एक तो है ना आप तस्वीर ले लें, लेकिन वो तो कोई अच्छा तरीका नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से एग्जैक्ट मैप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। पहले इस तरह से लोकेशन को सर्च कर लेना है, जैसे लोकेशन आ गई उसके बाद स्क्रीन पर इस तरफ देखिए एरिया को, यहाँ पर देखें शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ओके। अब इस शेयर के ऑप्शन पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है, ये देखें कॉपी लिंक वगैरह दे रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन देखें इम्बेड अ मैप लिखा हुआ है, तो क्या करना है, इम्बेड अ मैप पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इम्बेड अ मैप पर क्लिक करेंगे वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पर क्या करेगा, आपको कोड दे देगा HTML का। ये देखिए कॉपी HTML लिखा आ रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉपी HTML कर लेना है उस एड्रेस को, ओके। और यहाँ पर जाना है अपनी फाइल के अंदर और जहां पर भी आपने उसको लगाना है वहां पर पेस्ट कर दीजिए एग्जैक्ट उस कॉपी को। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ऑल्ट जी दबाता हूं ताकि स्क्रीन के अंदर आ जाए। तो देख सकते हैं ये वाला जो इतना हिस्सा हमने लिखा है ये एग्जैक्ट मैप का कोड कॉपी कर लिया। अब इसे होगा क्या, अब देखिएगा डायरेक्ट यहां से मैं इसको करता हूं सेव और यहां पर मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं, ये रही हमारी फाइल। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, देखेंगे वही कोड हमारे यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको करता हूं रिफ्रेश, तो ये देखें जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वो मैप इंसर्ट हो गया। अब ये लिंक किसके साथ है, ये गूगल मैप के साथ है, आप इसको चाहें तो जूम वगैरह भी कर सकते हैं, ये देखें एग्जैक्ट इसको यूज कर सकते हैं। और ये देखें नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी लिखा आ रहा है। तो क्या किया कि आप किसी भी इस तरह लोकेशन का मैप इम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ चले एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर आ गई, ये देखिए उसके लोकेशन आ गई। अब इसका मैं लगाना चाह रहा हूँ मैप, इसके लिए शेयर के ऑप्शन पे जाऊंगा, इम्बेड अ मैप पर गया और यहाँ पर किया कॉपी HTML और यहाँ पर जाकर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ एक दो, ठीक है ब्रेक, ताकि डिस्टेंस आ जाए, तीन ब्रेक्स लगा दी और इसके बाद यहाँ पर मैं कोड को कर दिया पेस्ट। अब मैं करता हूँ इसको सेव, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो देखेंगे इसके नीचे वो कोड इंसर्ट हो जाएगा, मैप इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने जैसे रिफ्रेश किया, ये वाला तो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का लगा हुआ है, इसके नीचे ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का लगा हुआ है। आप इसकी हाइट और विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें इसके अंदर ये आई फ्रेम का जो कोड आपने पेस्ट किया ना, ये देखें बाय डिफॉल्ट इसने 600 रखी है और 450 रखी है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के साइज के हिसाब से जितना आप करना चाहें।
ओके तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी मैप को आप अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा, प्लेलिस्ट फॉलो करें और शेयर करें। मिलता हूं मैं आपको इसी तरह के एक और एडवांस लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।